तो आशा जी अभी खाने के लिए बैठी है। तो खाने में है रोटी, दाल, राइस और कौन सा सेमी का सब्जी, सेमी, आलू, शिमला मिर्च और उसके साथ में है आम, मिक्स वेज। तो अकेले अकेले खा ले रहे हो? अब तो खा ले और क्या, ये पहले से खा लिया, इसलिए मैं अकेले खा रही हूँ। और रही बात खाने की, तो आज इतना सारा डिश बना है मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतना सारा खाने एक साथ खा रही हूँ। भगवान ने मौका दिया हम लोगों को अच्छा खाना खाने का, उसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब ऑयल फ्री है, ये भी तड़के वाली दाल है लेकिन इतनी सी एक चम्मच ऑयल में बनाई हूँ, छोटा चम्मच में। और ये जो सब्ज़ी है ये मैं 3 चम्मच तेल में बनाई हूँ, छोटा चम्मच का 3 चम्मच तेल में बनाई हूँ, तो काफ़ी कम ऑयल है। और रोटी सूखे वाला खा रही हूँ मैं, ऑयल वाला नहीं खाई। मन को पापा ऑयल वाला खाने के लिए पसंद करते हैं लेकिन आज मेरे वजह से ऑयल सूखे वाला खाया, क्योंकि ज़्यादा ऑयल खाना मेरे को मना है अभी उसी वजह से। और अगर मैं रोटी खाती हूँ तो चावल नहीं खा पाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा चावल लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी एक साथ हम लोग कभी नहीं खाए, और कभी दाल बनता था तो सब्जी नहीं बनाते थे, चटनी बनाते थे, आप लोग देखे होंगे, और दाल चावल बन जाता था, सब्जी नहीं बनता था। और अगर कभी सब्जी बने तो सब्जी चावल खा लेते थे, और कभी रोटी बने तो रोटी सब्जी ऐसे खा लेते थे, तो दो ही चीज़ें रहता था, या फिर रोटी या फिर सब्जी या फिर चावल या फिर सब्जी ऐसा या फिर दाल चावल। लेकिन आज चारों चीज़ एक साथ मैं खा रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। एक ख्वाहिश रहती थी कि मैं सब चीज़ ऐसे थोड़ा थोड़ा खाऊँ सजा के खाने का, मतलब प्लेट सजा के खाने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि आज मेरा शौक पूरा हो रहा है, देख लीजिए। और ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर किया है और मैंने बनाया है, तो काफ़ी जल्दी बन गया है ना। अब सच में मैं बता रही हूँ, इतना अच्छा खाना मेरे घर में कभी नहीं मिला, ना यहाँ पे ना मेरे गांव में, और ना मैं इतना अच्छा खाना भी मतलब मेरे घर में नहीं खाया। कभी होटल वगैरह में जाते हैं तो 3-4 सब्जी मिल जाता है, रोटी मिल जाता है, दाल मिल जाता है, लेकिन मेरे घर में कभी ऐसा मुझे नहीं मिला खाने के लिए, दाल चावल रोटी सब्जी एक साथ में कभी नहीं, ना यहाँ पे हम लोग कभी बना के नहीं खाए, क्योंकि खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं ये सोचती थी मैं हमेशा, लेकिन कभी भी कभी दाल बनाओ तो चावल बनाओ, सब्जी इतना सब्जी नहीं बनाया, सब्जी स्किप, एक टाइम का सब्जी स्किप, उसमें चटनी बना लिए या फिर अचार में खा लिए, ऐसे करते थे। तो आज मैं चारों चीज़ें बना के मेरे पसंद से मैं खा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। आपको कैसा फील हुआ? मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, खाने में तो माहिर होने पता है ना। बाद में क्या भाई, भूख लगा तो मैं पहले खा लिया, इनसे पहले खा लिया। और कुछ बोलो, तारीफ और क्या कर देनी हो। सब्जी बहुत अच्छा लग रहा था, दाल भी बहुत अच्छा बना है, इसलिए मम्मी पापा आम नहीं खाते, पता नहीं उनको क्या होता है, आम खाना पसंद नहीं है, ऐसे ही पसंद नहीं है। कच्चा वाला आम थोड़ा अच्छा लगता है, मीडियम टाइप का जो रहता है ना, पक्का वाला और कच्चा थोड़ा पसंद नहीं है, मीडियम में रहता है ना वो अच्छा लगता है। तो आज कोई चैलेंज नहीं, ओनली फॉर खाना आइटम। अभी हमारे लाइफ में मैं पहली बार ऐसा खाना खा रही हूँ, सच बताएं, मैंने खुद बनाया है लेकिन बहुत खुश हूँ मैं।
और आप लोग मुझे देख के सोचते हो ना कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कि पापा मेरे से डबल खा रहे। बोलो आप भी कुछ, कौन डबल खाते हैं आप तो देखते हो ना हमारा चैलेंज वीडियो, कौन पहले खा लेते हैं। वो तो चैलेंज रहता है ना, रियल लाइफ में कौन ज़्यादा खाता है पहले बताओ। अच्छा मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाता हूँ आपसे। लेकिन थोड़ा कम मोटे हो मेरे। मैं ज़्यादा हूँ ना, एक दिन ऐसा था दोस्तों, अभी भी वो दिन याद आता है जब हमारे घर में सब्जी नहीं था और झोपड़ी में रहते थे, चावल बनाते थे और लहसुन चटनी पीस के खाते थे। लहसुन भी ज़्यादा नहीं था, इतना सा था, उसको पीसे और सब लोग थोड़ा थोड़ा इतना बाँट के लहसुन और मिर्ची की चटनी खाए। दिन नहीं बोलेंगे जब। और आज इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये वीडियो शूट करना था बल्कि मैं इसमें बैठ के खा रही हूँ। सच बताओ मैं देसी स्टाइल अपना जमीन में हाथ पर फैला कर खाती हूँ। सच बता रही हूँ, कुछ भी हो जाए और बैठूंगी भी तो मैं कुर्सी में बैठना अच्छा नहीं लगता मेरे को, जमीन में हाथ पैर फैला के बैठती हूँ, चाहे लोग मेरे को देहाती बोले गवार बोले चले, अपना स्टाइल है। तो कैसा लग रहा है भाई खाना बता दो थोड़ा। बहुत अच्छा, लोग बोलते हैं कहावत है तो जिंदगी है तो खा लेते हैं हम, कल का किसको पता, लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचते थे पता है। रात को कुछ खाते थे ना घर में, तो कल सुबह क्या खाएंगे, कल सुबह कहाँ से खाना है या इसका टेंशन रहता था। लेकिन इतना है कि कभी किसी को मांगना नहीं पड़ा कि हमें खाना दो, हमारे घर में खाना नहीं है, कभी नहीं। कहीं से जुगाड़ हो जाता था, मैं मेरे सिस्टर लोग 3-4 किलोमीटर हमारे गांव से 7-8 रुपये केजी चावल मिलता था उस टाइम, पैदल जाते थे छोटे छोटे थे, मेरी सिस्टर बड़ी वाली हाथ पकड़ के लेके जाती थी हम लोग को, सर पे घूम के 4-5 केजी लेके आते थे, ज़्यादा नहीं लाते, उतने पैसे ही नहीं होते थे। और मेरी मम्मी 25 रुपये रोज ही मैं दूसरों का काम करती थी, सुबह से लेके पूरा दिन काम करो तो 25 रुपये मिलता था। पहले की बात है, पहले की बात है, बचपन में मैं छोटी थी, पहले दूसरी खुद पढ़ रही थी, मैं बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, इतना गरीबी लाइफ में। लेकिन आज ना मैं अपने पैरों में खड़ी हूँ, तो मेरे मम्मी को ना मैं किसी का जमीन में पैर नहीं रखना ऐसे बोलती, अच्छा नहीं लगता मेरी माँ काम करके किसी के लिए जाए, कभी कभी झूठ भी बोलती है मेरी मम्मी। मेरे बच्चे कितना पैसे देंगे, दूसरों का काम करने ले जाती है, मुझे पसंद नहीं है मेरी माँ दूसरों का काम करे। मैं कम अभी जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे माँ बाप को संभालू, दूसरों का कभी काम नहीं मिलती मेरे घर वालों को, यही सोचती हूँ मैं। आप लोग भी अपने मम्मी पापा के लिए इतना तो कर ही सकते हो, मैं बेटी होकर कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। पहले से उठे हुए रह के ऊपर उठना बहुत
मामूली बात है, जिनके पास सब कुछ रहता है उनको ऊपर उठना बहुत मामूली बात है, और जो जमीन में रहे और ऊपर उठना बहुत बड़ा बात है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जमीन से उठी हूँ, जमीन से निकली हूँ, और मुझे ऊपर से उठने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जमीन से सीधा उठी हूँ। अच्छा लगता है, गर्व होता है अपने आप को। मेरे घर वालों को भी गर्व होता है मेरे पे, और मनु के पापा पे ही गर्व होता है उनको, मेरे दमान मेरे से ज़्यादा लोग मनु के पापा को प्यार करते हैं, है ना? हाँ, खास करके मेरे पापा क्योंकि मेरे पापा का मोबाइल रिचार्ज मनु के पापा कर देते हैं ना है ना, सही है ऐसा नहीं है, मोबाइल रिचार्ज तो हम ही लोग करते हैं दोनों, लेकिन मेरे पापा इनको ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरा दामाद बहुत अच्छा है ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो पे। आज बहुत ज़्यादा बात हो गया, कुछ कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। सोची नहीं कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करूँगी, आज क्या ब्लॉग डालूँगी, समझ नहीं आ रहा था। तो चलो, खाने से याद आया तो बता दिया, बहुत है मेरी ज़िंदगी कहानी, घर जाऊँगी तो कभी सुनाऊँगी आप लोगों को। बस इतना बोलूँगी कि मैं भी इंसान हूँ और आप लोगों के जैसे। तो ठीक है, बाय बाय, ऐसे ही साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा और हौसला कभी मत हारिएगा ज़िंदगी में। गुड नाइट दोस्तों